हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज है मंडे, तो टाइम हो चुका है सुबह के 9 और ऑफिस का हो गया टाइम। तो इच्छू को अभी फटाफट से स्कूल भेजा है और ये सिद्धार्थ अभी उठ के आया अंदर से। इसका सीन ये है कि इसकी क्लास शुरू हो चुकी है, अटेंडेंस लग चुकी है और नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। और आज भाई मौसम हो रखा है बहुत बढ़िया वाला, बरसात वाला मौसम हो रखा है और ये बढ़िया वाली बरसात चल रही है, रिमझिम बरसात जिसको कहते हैं ना, रिमझिम वाली बरसात चल रही है। तो मस्त है भाई, आज तो पक्का मौसम घूमने वाला हो रखा है। लेकिन सीन ये है कि ऑफिस का टाइम है तो घूमने कहाँ जाए, तो देखते हैं। बाकी अगर टाइम लगा लंच टाइम में तो कहीं पे राउंड मार आएंगे। तो इसको अपना व्लॉग बनाना है क्योंकि ये भी अब कंपटीशन में आ चुका है मेरे साथ। अब हम दोनों का कंपटीशन है कि कौन पहले प्ले बटन लेके आएगा। और मम्मा बना रही है इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, मम्मा और उसकी बेटी। चल बाय करते, बाय बाय बाय। इसको दो चाहिए, इसको एक से काम चलता है, इसको दो चाहिए होते हैं। तो मौसम हो रखा है भाई बहुत जबरदस्त वाला, तो मैं तो हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि मौसम के तो बढ़िया मजे आ जाते हैं यार। मौसम बढ़िया होता है ना तो मौसम देख के मतलब ऑटोमेटिकली दिल करने लग जाता है कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पहाड़ों पूड़ों पर निकलते हैं। लेकिन पहाड़ों पे भी नहीं जा सकते आजकल, क्योंकि पहाड़ों पे भी आजकल लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है। कल भी एक न्यूज़ आई थी कि पालमपुर के पास कहीं लैंडस्लाइड हुई है और वहाँ पे 7-8 जो टूरिस्ट थे वो उसकी चपेट में आ गए हैं। पत्थर वगैरह गिर गया है कोई ऊपर से और उसकी वजह से उनकी गाड़ी वगैरह के ऊपर पत्थर गिर गया है। तो गए, अभी थोड़ा बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा अवॉइड करो यार हिमाचल साइड पर जाना। सो फ्रेंड्स, अभी आया हूँ ऑफिस से। तो ऑफिस से आते देखा ये इच्छू को, ये छुपी हुई थी वहाँ पे पीछे मेरे को डराने के लिए। और वो देखो जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी करी सिद्धार्थ कहाँ पहुँच गया। इसका डेली का ये काम है, जैसे ही गाड़ी खड़ी करो और ये सीधा गाड़ी की टॉप पे। और ये इच्छू क्या कर रही है, इच्छू क्या कर रही है? तो भाई अभी चलते हैं अंदर। हाँ जी, क्या करा फिर आज सारा दिन? भाई घर के काम। सो के उठिए? बच्चे सोए हुए थे ना, कैसे कैसा रहा फिर आज का दिन? और अभी का क्या प्लान है, शाम का कुछ है प्लान, कुछ खाने का प्लान? खाने के लिए कुछ खाना नहीं, मतलब वो क्या करते हैं व्रत में, क्या करते हैं व्रत में, कुछ करते होंगे? सिद्धार्थ के हालात ये ऐसे करता है, गाड़ी के ऊपर चढ़ के बस सारा दिन गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहेगा और कुछ नहीं करना इसको। और पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारा माली पार्क में घास काट रहा है। डार तो वो देखो जब बहुत शरारती है सिद्धार्थ। क्या रह गया? जैसे दोस्तों ने इसको मार दी आवाज, और आवाज मारने के बाद पहले मेरी भी सुनता सीधा अपने दोस्तों के पास। यार मैं बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं। यार मैंने तो अपने तरफ से पूरा फास्ट रखा हुआ है भाई, मैंने देखा पूरा आज रखा था सुबह सुबह फास्ट। तो गलती ये होगी कि इच्छू सुबह जा रही थी स्कूल तो इसने खाना खाया नहीं, तो मैंने इसको बिस्किट दे दिए, इसके दो बिस्किट गिर गए नीचे, तो मैंने वो दो बिस्किट उठा के खा लिया कि वेस्ट क्यों है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक केला इसको दिया, एक केला मैंने खा लिया। तो अभी शाम को ऑफिस से आते आते मैंने तोजो खा लिया थोड़ा सा, तो क्या मेरा फास्ट टूटा? मेरे अंदर श्रद्धा तो पूरी उतनी ही है ना, और भूखा भी हूँ, भूख भी उतनी लग रही है, तो श्रद्धा तो उतनी रहेगी ना, श्रद्धा से होता है। तो अब ये कहते खाना खा लो, फास्ट टूट चुका है आपका, आप बताओ गाइस फास्ट टूटा है? शिव जी भगवान इस बात से नाराज हो गए गलती से, अगर बच्चे ने कुछ खा लिया तो फास्ट मेरा ऐसे। यार पूजा को मैंने फोन कर लूंगा, यार पूजा का क्या चक्कर? इसकी फ्रेंड की भगवान जी की, इसकी एक फ्रेंड है पूजा, तो ये कह रही है कि उसको तुमने पूजा नहीं की। तो पूजा का कोई चक्कर नहीं है, पूजा को तो हम बाद में भी देख लेंगे। फिलहाल अभी बात यह है कि भूख का क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मेरा तो कहना यह है कि भाई खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब फास्ट रखा है तो फिर पूरा फास्ट रख लेते हैं। लेकिन सोहन कह रही है कि आपका फास्ट टूट गया है, अब आप बताओ यार क्या करूं। मैं तो खाना खाने वाला हूँ नहीं हूँ, हाँ बस ये है कि चाय चुए जो सामान खाने का वो व्रत वाले में जो खाती है सारी लेडीज वो मैं खा लेता हूँ, है ना।
क्योंकि यार ये लोग भी तो खाते ही है ना सारा दिन व्रत का नाम लगा के। तो बता अब क्या करना चाहिए फास्ट का? मेरे हिसाब से तो यार अब खाना खाओ आराम से। ये जानबूझ के बोल रही है, सब्जी अब रोटी पड़ी हुई है उसकी बना के गई हुई है सुबह की तीन रोटी, तो ये चाहती है कि वो तीन रोटी सॉरी पांच दस रोटियां जो है वो कंज्यूम हो जाए और उसमें से चार पांच रोटी में खा लूं और इसका जो है वेस्टेज कम से कम हो। लेकिन मेरा व्रत है, मैं शिव जी भगवान जी के दिल से व्रत रखे हैं, पहली बार रखे हैं। और ये देखिए हमारी छोटी सी बिंदी क्या कर ली है, बैग लटका के। कहाँ जा रहे हो आप, ट्रैकिंग करने जा रहे हो क्या पहाड़ों पे? नहीं, कैमरा है। कैमरा? हाँ। आप भी कैमरा लेके घूमते हो? क्या करते हो कैमरे के साथ? वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाते हो? ये भी छोटी सी बिट्टी भी हमारी वीडियो बनाती है, ये इसकी माँ टिकटॉक बनाती है। आप लोग भी इसको टिकटॉक पे देख सकते हो सुबह ना जाते हैं। बटन क्योंकि यूट्यूब के बटन के लिए ही मैं सारा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक यूट्यूब का बटन, अगर जिस दिन मुझे एक यूट्यूब का बटन मिल गया ना उस दिन मैं क्या करूंगा, एक अपना स्टूडियो बनाऊंगा बढ़िया वाला और स्टूडियो में जैसे सारे लोग लगाते हैं ना वैसे ब्लूटूथ पीछे लगाऊंगा उसके यूट्यूब का बटन और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा वीडियो। तो मुझे फटाफट छोटा पैकेट जा रहा है, ये छोटा पैकेट बाहर जा रहा है हमारा छोटा पैकेट। ओए छोटे पैकेट, ये छोटे पैकेट की भी वीडियो बनानी है हमने। मैं ना बहुत दिन से राम राम से चल रहा था तो मैं बहुत दिन से मतलब प्रॉपरली वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इंटरप्शन बहुत ज्यादा आ रही थी ऑफिस की वजह से, कभी अपने काम की वजह से कभी घर की वजह से। अभी मैंने सोचा है कि अब मैं अपने जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छे से बनाया करूंगा और रूटीन ब्लॉग्स बनाना शुरू कर रहा हूँ। और प्लीज सीरियसली यार अब की बात तो सीरियस है कि सीरियसली वो ब्लॉग्स को है लाइक करना, वो सारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अब यूट्यूब का अगर शौक पाला है तो फिर उसको पूरा करेंगे। और सुमन ने भी आज से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं तो सुमन को भी लाइक कर देना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम तीनों चार पाँच लोग सबको। और इसको इस बिंदी को जरूर लाइक कर देना, बोलो लाइक कर देना और इसको भी लाइक कर देना आप सब लोग मिलकर, ठीक है।